वेलकम इन्वेस्टर्स, स्टॉक इन द न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 24 अक्टूबर 2020 और आज हम ग्लेनमार्क के स्टॉक को टेक्निकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे ऑन अ वीकली और डेली बेसिस पे क्या प्राइस एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हल्की सी नजर हम डालेंगे मंथली चार्ट पे और जैसे कि आप देख पा रहे हैं मंथली चार्ट में अच्छा खासा हमें एक फॉल देखने को मिला और उसके बाद ऑन अ मंथली बेसिस पे स्टॉक का प्राइस ऊपरी लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर वॉल्यूम्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। चार्ट को मैं हल्का सा बड़ा कर देता हूँ, आप देख पाएंगे ये एक मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट पर जैसे हम देख पा रहे स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और ये मंथली कैंडल्स है और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स किस तरीके से इसमें गिरावट हमें वॉल्यूम्स में देखने को मिल रही है। अब चलते हैं हम वीकली चार्ट पे और देखेंगे जैसे कि अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पे एक साइडवेज ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने इस लो को और इस लेग को, ये जो यहाँ पर लॉन्ग लेग हमें दिख रहा है, इस लेग को मैंने कनेक्ट करके एक वीकली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की है। अब चलते हैं हम डेली चार्ट पर। ये ग्लेनमार्क का डेली चार्ट है और जिस तरीके से हमने वीकली चार्ट पे देखा कि एक साइडवेज ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई लेकिन उसके बाद सेलिंग का प्रेशर या प्रॉफिट बुकिंग के लिए स्टॉक का प्राइस लगातार बार बार नीचे आ रहा है और ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और जैसे कि लास्ट अगर हम देखेंगे 6 to 7 days के ट्रेडिंग सेशन पे तो यहाँ पर फ्रेश एक डेली सप्लाई है 509 से लेके तो 491 का। यहाँ पर देखिए सप्लाई क्रिएट होने के बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन डेज से जैसे ही इस सप्लाई में प्राइस आता है बेरिश इनगल्फिंग पे, बेरिश पैटर्न पे शॉर्ट कीजिए, एक अच्छा खासा प्रॉफिट इस स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से इस वीकली ट्रेंड लाइन के पास में एक डेली डिमांड जोन है। जब भी प्राइस अभी तक इस डेली डिमांड जोन को टेस्टेड नहीं किया है, स्टॉक का प्राइस इसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है और ये जो वीकली ट्रेंड लाइन है, अगर हम इस लोस को और इस लोस को देख रहे हैं तो ये वीकली ट्रेंड लाइन एक डेली ट्रेंड लाइन का भी काम करते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब चलते हैं हम इंट्राडे ट्रेड सेटअप के लिए 30 मिनट के चार्ट पे और 30 मिनट के चार्ट पे देखेंगे कि यहाँ पर एक फ्रेश सप्लाई और जिस सप्लाई में हम इंट्राडे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया डेली सप्लाई के चलते स्टॉक का प्राइस नीचे आया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश और यहां पर जो डेली सप्लाई है उसके कारण 30 मिनट के चार्ट पे भी एक फ्रेश सप्लाई में दिखाई दे रहा है और जैसे कि हम देख पा रहे स्टॉक का प्राइस अपने डेली सप्लाई के पास में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर हम इस सप्लाई में एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं ना 30 मिनट के चार्ट पे। तो जब भी हम 30 मिनट के चार्ट पे शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे, 5 मिनट के चार्ट पे जाएंगे, स्टॉक का प्राइस इस 30 मिनट के सप्लाई जोन में जब भी आता है, ये सप्लाई जोन का रेंज जो है वो 494 से अगर अबव आता है प्राइस, कहाँ तक 500 तक, और हमारा जो SL है वो रहेगा 502 पर और उसी के साथ हम ट्रेड में एंटर हो जाएंगे और यहां पर हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 483 और सेकंड हो जाएगा 479 का, और अगर ये दोनों ब्रेक होते हैं तो थर्ड टारगेट हो जाएगा हमारा 475 का, और इसके नीचे भी अगर ये स्टॉक का प्राइस चला जाता है तो यहाँ पर 471 का भी टारगेट हमें यहाँ पर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब एक बार हल्की सी नजर हम डालेंगे यहाँ पर डेली चार्ट पर। अगर आप देख पा रहे हैं स्टॉक का जो प्राइस है वो एक अच्छा खासा हाई प्राइस पे ट्रेड किया करता था और उसके बाद हम जैसे कि देख रहे हैं ये एक साइडवेज ट्रेड कर रहा है और कुछ दिनों से यहाँ पर स्टॉक का प्राइस जैसे नीचे आया
ये डेली डिमांड जोन में तो नहीं आया, लेकिन जो फॉल है वो इस तरीके से एक साइडवेज ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब भी इस सप्लाई में हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी आने वाले कई ट्रेडिंग सेशन तक, तो तब भी हम इस स्टॉक में एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। ये सिंपल सा एक डेली सप्लाई और डिमांड बेस एनालिसिस था। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।